अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है जवारी की रोटी की। आज हम बनाएंगे जवारी की रोटी। ये है जवारी का आटा, ये रेडीमेड नहीं है, इसको साफ़ करके मैंने गिरने से पिसाया हुआ आटा है ये। इसको हम एक बॉल में पहले भिगा लेंगे। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक बर्तन। आप को अगर अंदाज़ा नहीं है तो आप एक बॉल से या फिर कप से वन हाफ कप लें। यहाँ पे मैंने अंदाजे से लिया है आटा। इसको हम भिगाएंगे। ये नॉर्मल पानी है, गर्म पानी नहीं है। जब आटा फ्रेश रहता है तो ये अच्छे से बन जाती है, आपको गर्म पानी करके डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी अच्छी तरीके से परफेक्ट बनती है रोटी। तो आप इस तरीके से बना के देखें। हम आटे को पहले अच्छे से गूंध लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और ये आटा सख्त नहीं होना चाहिए, एकदम मुलायम और सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। और अब हम इसको अच्छे से हाथ कच्चा करते जाएंगे और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से मलते जाएंगे, ताकि आटा जो है हमारा एकदम से सॉफ्ट हो जाए। हल्के हाथ से मत करिए आप, अच्छी आपकी एनर्जी होनी चाहिए। देखिए इसको इस तरीके से अच्छे से गूंदते जाएं आप, और आपका हाथ तो ड्राई होते जाएगा। तो आप बार बार पानी में हाथ को कच्चा करें और कच्चे हाथ से इसको हम मलते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, आटा हमारा पूरा अच्छे से मुलायम हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से गोल कर लेंगे और इसको एक छोटी सी रोटी का शेप देंगे। देखिए आटा अच्छे से हमारा मुलायम हो चुका है। अगर आटा मुलायम ना होने की एक निशानी होती है कि वो बार बार बिखरते जाएगा। आप अगर रोटी के लिए बनाएंगे गोल पेड़ की तरह, तो वो बार बार बिखर जाएगा और टूट जाएगा। ये अच्छे से गोल बन चुका है, देखिए इसका परफेक्ट शेप भी आ गया है। इसका मतलब हमारा आटा अच्छे से गूंदना हुआ है। और अब हम इसको हाथ की मदद से इस तरीके से करते जाएंगे, बड़ा करेंगे रोटी को, गोल करते जाएंगे और बड़ा करते जाएंगे। देखिए आटा सॉफ्ट रहने की वजह से आपको ऐसा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मेन मेथड होता है आपको आटे को सॉफ्ट करने का। तो आप वो अगर अच्छा कर लेंगे तो आपकी रोटी भी टेस्टी बनेगी और बगैर स्क्रैच के बनेगी। देखिए यहाँ पे कहीं भी रोटी हमारी टूटी नहीं है, अच्छे से बनी है गोल। और आप इसको पतली करते जाएं और गोल करते जाएं, बड़ी करते जाएं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए परफेक्ट तरीके से इस तरीके से अच्छे से हो चुकी है। और आपका तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये नॉन स्टिकी तवे पे सही नहीं बनेगी रोटी, ये ज़्यादा हीट पे बनती है। तो ये आयरन का तवा या फिर आप अल्मोनियम का तवा लें और उसको अच्छे से गर्म करें। जब गर्म तवे पे आप रोटी डालेंगे तो बस 5 मिनट में ही आपकी रोटी वन साइड से पक जाएगी। देखिए इस तरीके से फिर आप उसको पानी से अच्छा फैला लें, वन साइड कच्चा करके आप इस तरीके से पलटा लें रोटी को। अगर आपको हाथ से पानी फैलाने में मुश्किल हो रही है तो आप एक कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको दूसरी साइड से अच्छे से पकने देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए ये लकड़ी के चूल्हे पे अच्छी बनती है। अगर आप गैस पे बनाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस पे भी अच्छी तरीके से बन जाती है। और हमारी रोटी देखिए गोल आई है बड़ी, और इसका कलर देखिए आप, कहीं से भी जली कभी नहीं है, एकदम परफेक्ट कलर भी आ गया है इसका वाइट। और अब हम इसको अच्छे से सेक लेंगे टू साइड से। इसको हम कपड़े से नहीं सेकेंगे, अगर आप चाहें तो उल्थानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चमचे की मदद से इसके जो साइड के कोर रहते हैं ना, इसको आप अच्छे से जब प्रेस करें, ताकि इस तरीके से हमारी रोटी अच्छे से सेके जाए। इसको आप बार बार उलट पुलट मत कीजिए, आप इसको अच्छी हीट पे पकने के लिए छोड़ दें।
थोड़ी देर के बाद में आपकी रोटी अच्छे से फूल के आ जाएगी। और आप इसको ज़्यादा फूलने भी मत दें, वरना थोड़ी बहुत कच्ची रहने का प्रॉब्लम रहेगा, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा फूलने मत दीजिए। रोटी हमारी इस देखिए इस तरीके से फूल के आएगी वो, तो आप इसको फूलने मत दीजिए ताकि हमारी रोटी अच्छे से पक जाए। और आपकी रोटी जितनी अच्छे से कुक होगी उतनी ही टेस्टी बनेगी, तो इसमें नॉट अ बिग डील ज्वारी की रोटी डालना। इसलिए आप लोग अच्छे से पहले आटे को सॉफ्ट कर लें, तो आपकी रोटी खुद ब खुद बड़ी भी हो जाएगी और अच्छे से पक भी जाएगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पर और भी डिशेस मौजूद हैं तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और कैसा लगा आपको मेरा रोटी डालने का तरीका बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरी डिशेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर से जाके ट्राई करें। देखिए ये बन के तैयार है, इसको हम सर्व कर लेंगे। दिखने में आपको रोटी कैसी दिख रही है इसका लुक कमेंट में बताइए। अगर आपका आटा फ्रेश रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप ठंडे पानी से ही इसे मल के डाल सकते हैं। गर्म पानी करके मत डालिए आप लोग, इस तरीके से फॉलो कीजिए। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।